बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म, आमिर खान की फिल्म और बाहुबली के बीच काफी ज्यादा टक्कर होती रहती है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे पांच ऐसी फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस की दुनिया में बड़ी मात्रा में धमाल मचाया। दोस्तों, अगर सबसे नंबर वन की बात की तो विकिपीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से दंगल है, जिसने टोटल 2,109,02,00,000 रुपए कमाए हैं, जिसमें से लगभग 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड है। ऊपर से चाइना में इतने सारे पैसे कमा लिए, मतलब 1,500 करोड़ लगभग चाइना से कमा लिए। तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म दंगल। अगर दूसरी बात की जाए तो SS राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म बाहुबली 2 ने कमाया है। इस फिल्म के निर्माता अलका मीडिया वर्क थे। अगर इस फिल्म की बात की जाए तो 1,706,05,00,000 की कमाई की है, जो कि दूसरे नंबर पर आ जाती है कमाई के मामले में ये फिल्म। तीसरी बात की जाए, तीसरी पर आमिर खान खड़े हुए हैं फिल्म पीके को लेकर। 2014 में आई राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी, विनोद चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। इस फिल्म की कमाई 832 करोड़ थी, जो कि काफी बेहतरीन रही थी। उसके बाद चौथे नंबर पर भाईजान ने अपना हाथ खड़ा करके रखा, जो बजरंगी भाईजान कबीर खान के डायरेक्शन में बनी थी। इस फिल्म के निर्माता कबीर खान सलमान खान थे। इस फिल्म ने 630,86,00,000 की कमाई की थी, जो कि बेहद शानदार रही थी। उसके बाद पांचवे नंबर पर आ जाती है बाहुबली, जिसने 600 करोड़ कमाई थी। जी हाँ दोस्तों, ये थी आपके सामने पांच ऐसी फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस की दुनिया में बड़ी मात्रा में धमाल मचाया। तो भाईजान की बात की जाए तो भाईजान चौथे नंबर पर आते हैं।